न्यायिक व्यवस्था में देरी, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के कारण भी पुलिस में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा। यही बिहार पुलिस है जो 2005 में नीतीश कुमार आए उसके बाद ऐसा स्थिति लाया गया कि जो जगह पर लोग शाम को नहीं जाते थे उस जगह पर लोग रात को 12 बजे भी पैसा लेकर आराम से टहलते हुए जाते थे, कोई छूने वाला नहीं आता था। तो ये साबित बिहार किया है, लेकिन फिर इसमें कुछ घुन आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, इस तरह सब कुछ चौपट हो गया। और जब तक पुलिस सेफ नहीं रहेगा हम लोग भी सेफ नहीं रह सकते हैं। हम लोग के आम जनता के सेफ रहने के लिए पुलिस का आत्मविश्वास, पुलिस की कार्यप्रणाली और पुलिस को सुरक्षित रहना काफ़ी ज़रूरी है। और जब तक वो नहीं रहेंगे कोई बिहारी सुरक्षित नहीं रह सकता। थाने वाले लोग भी जो हैं वो शराब के इनलीगल व्यापार में शामिल हैं, सह देते हैं, पैसे की वसूली करते हैं, और जब ऊपर से कड़ाई होता है तो आप उसको पकड़ने जाते हैं जबकि आप उसका कमीशन भी खाए हुए हैं। तो ऐसे में भाई आप उसका कमीशन खाए हुए हैं तो आपका उससे डर खत्म हो गया है, उन अपराधी का जो आपसे डर खत्म हो गया है। लेकिन जब आप अपना नौकरी बचाने के लिए, अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उसको पैसा भी लिए, व्यापार भी करने दिए, फिर पकड़ने भी जाते हैं तो वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे काम के दम पर हमको पोस्टिंग मिलेगा, न कि पैसा के दम पर। आपके काम के दम पर आपको मेन मिशन पर लगाया जाएगा जो अहम SIT ये सब बनता है उसमें, न कि आपके चाटुकारिता के चलते और आपके बिकने के जो क्वालिटी का रहता है ना उसके चलते लगाया जाएगा। ये सारा कुछ बदलना पड़ेगा और ये नीचे के बदलने से नहीं होगा, ये ऊपर का बदलना पड़ेगा। आप अवैध खनन को लेकर आंख मूंदे रहते हैं, हजारों हजार ट्रक ट्रैक्टर पार करते हैं रात में, दिन में, रात में इतना गंगा जी में नाव चल रहा है, आप आंख मूंदते हैं। जो ऊपर से कड़ाई होता है आपको मजबूरन जाना पड़ता है। अब आप जब कड़ाई करते हैं तो आप विरोध कर देते हैं आपके, और जो विरोध जो है वो मारपीट तक चला आता है। तो बिहार पुलिस का जो वर्किंग स्टाइल है, जो काम करने का स्टाइल है, उसमें अभी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। देखा जाए तो अभी एक खास हम फॉर्मेट को ही अपना रहे हैं जिसमें ये पता चला कि हाँ ये अपराधी है, वहाँ पर जाके इसको ये कर लिया गया। साइंटिफिक अप्रोच आप नहीं अपनाते हैं या फिर आप स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं। पटना SSP साहब का गाड़ी अपने ऑफिस से निकलता है गांधी मैदान के पास और वो कारगिल चौक पे जाता है, वहाँ पर एक हवा हवाई वाला सड़क पर रोक के और लोगों को बैठा उठा रहा था या जो भी कर रहा हो। SSP साहब का गार्ड उतरता है, उसको बोलता है हटाने के लिए, वो लड़ने को तैयार हो जाता है और SSP साहब को जाकर इंटरफेयर करना पड़ता है, उसको उठा के उसको बुला कर डांटना पड़ता है। समझिए कि डर इतना ख़त्म हो गया है। उस ब्यूरोक्रेसी में बहुत आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। जो एक चल रहा है पैटर्न, उस पैटर्न को पूरा बदलना पड़ेगा, वर्किंग स्टाइल को फास्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप जो हैं इम्प्लीमेंट करें कानून, कितना भी बड़ा से बड़ा रसूखदार क्यों ना हो आपका वो कुछ नहीं कर पाएगा। UP में देखिए आज ही खबर चला है कि एक साल में 10,000 इनकाउंटर हुआ है। बिहार में कितना हुआ है? बिहार पुलिस अपराधियों से पिट जाती है लेकिन एक हवाई फायरिंग भी नहीं करती है क्योंकि पता है कि बाद में हमको इतना परेशान किया जाएगा। बिहार में ऐसा है ना कि अगर आप कुछ करते हैं अच्छा हुआ तो वह हवाई दूसरा कोई ले जाएगा, सीनियर ले जाएगा, और गड़बड़ होगा तो सारा पिटारा आप पर फोल दिया जाएगा, आपको सस्पेंड किया जाएगा, आपको लाइन हाजिर किया जाएगा, आपका वेतन रोका जाएगा, आप क्या क्या नहीं हो जाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस जो है ना कि नहीं हम आपके साथ हैं, वो चीज नहीं है। डिपार्टमेंट, सरकार, सभी लोग यहाँ पर पुलिस को ही दोषी मान लेते हैं। बिहार में जब से नए DGP आए हैं उन्होंने आते ही सबसे पहला जो बयान था वो ये दिया, पुलिस मुख्यालय में निर्देश देते हुए कहा कि आप अपराधियों को जितना दौड़ाएंगे उतना ही अपराधी आपके पास रहेंगे, अगर आप बैठे रहेंगे तो अपराधी आपको दौड़ाएंगे। लेकिन उनकी ये बात उल्टी पड़ गई, बिहार पुलिस को लोग इन दिनों खूब दौड़ा रहे हैं, खूब पीट रहे हैं। पिछले 3-4 महीने की रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें तो 10 से 15 बार ऐसा हुआ है जब बिहार पुलिस किसी गांव में गई है या छापा मारने गई हो या फिर किसी अपराधी को पकड़ने गई है, गांव वाले दौड़ा दौड़ा कर बिहार पुलिस को पीट रहे हैं, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि बिहार पुलिस लगातार पीट रही है लोगों से? क्या पुलिस की विश्वसनीयता जो होती है वो ख़त्म हो गई है? क्यों आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर पर ठीक करने वाली बिहार पुलिस आम जनता से पीट रही है? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है हमारे सहयोगी आदेश पुरी जी। आदेश जी, बिहार पुलिस लगातार पीट रही है, कहीं पे भी शराब की
छापेमारी करने जानी हो या फिर कहीं पे किसी अपराधी को पकड़ने जानी हो, आखिर क्यों बिहार पुलिस लगातार पिट रही है? क्या विश्वसनीयता जो है वो खत्म हो रही है क्या लोगों के बीच? देखिए, बिहार पुलिस के साथ दुर्व्यवहार का दो तीन कारण हैं। सबसे पहला तो कारण मैं मानूंगा कि इनकी संख्या काफ़ी कम है। अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा में नित्यानंद राय, जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, उन्होंने कहा कि सबसे कम पुलिस पब्लिक अनुपात जो है वो बिहार में है। 1 लाख के जनसंख्या पर 75 उन्होंने बताया, जबकि बाद में करेक्शन किया गया कि 86 है। आप समझिए कि बिहार, जो कि लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा समस्या यहाँ पर रहता है, लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सरकार का सबसे बड़ा प्राथमिकता होता है बिहार में, वहाँ पर इतने कम संख्या में पुलिसकर्मी हैं। आप चले जाएँ किसी थाने में चले जाएँ, वहाँ कितने स्टाफ होते हैं? वहाँ लगभग 2-2.5 लाख जनसंख्या पर लगभग एक थाना में 8 से 10 स्टाफ होते हैं, और उसमें आपको छापेमारी करने जाना होता है। छापेमारी करने जाना होता है तो ज़्यादातर आजकल कुछ ऐसे अवैध कारोबार हैं जो कि संगठित अपराध का रूप ले चुके हैं। जैसे बिहार में शराबबंदी को लेकर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता बिहार पुलिस देती है कि जहाँ भी शराब की सूचना मिलती है वहाँ पर छापेमारी करने जाते हैं, चले जाते हैं। संख्या कम रहता है, 5-6 लोग रहते हैं, और पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग उस काम में लगे हुए हैं और सब एक दूसरे के लिए ढाल बन के खड़ा हो जाते हैं। अब कहाँ 4-5 आदमी आप चले जाते हैं, वहाँ पर 100 आदमी आपको घेर लिया। अब आपको कानून भी पालन करवाना है, आप थाना के डायरी में ये लिख के जाते हैं कि वहाँ पर शराब की सूचना है, वहाँ पर गए और आप नहीं लेकर आएंगे तो फिर आपके साथ भी समस्या है, तो आप पर भी आरोप लग जाएगा। तो आप जाते हैं तो वहाँ पर आप रिकवरी करना चाहते हैं, छापा मारना चाहते हैं, वहाँ विरोध होता है, विरोध वो बाद में हिंसक हो जाता है और आपका संख्या बल कम रहता है, इसके कारण आपको भागना पड़ता है या आप पिट जाते हैं। यही होता है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण है कि यहाँ पर जो शराब को लेकर जो नीति अपनाई गई है और पुलिस का जो कार्य प्रणाली है वो बड़ा ही गड़बड़ है। आप देख लें, शराब और बालू, ये दो चीज़ को लेकर हमेशा पुलिस में और जो तस्कर हैं या फिर जो अवैध धंधा करते हैं उनके बीच में एक कहा जाए तो लड़ाई की स्थिति, और पुलिस वहाँ पर हमेशा कमज़ोर पड़ जाता है। शराब को लेकर मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा नेक्सस बना हुआ है और उसमें आप जाते हैं कार्रवाई करने के लिए, आपके पास अगर संख्या बल नहीं रहता है तो आप पर वही बारी पड़ जाते हैं। वो ऐसा ही बालू पर हुआ है। बालू में देखिए कि आप जो ये दानापुर का इलाका जो है वहाँ पर फायरिंग तक हुआ है पुलिस पे, कितने लोगों का हत्या हो गया, जो कुछ दिन पहले ही घटना हुआ था, आप देखे होंगे पुलिस पर फायरिंग हुआ है वहाँ पर और बड़े अफसरों के रहते हुए फायरिंग हुआ है। तो इसका 2-3 कारण भी है। इसका कारण एक, सबसे पहला कारण तो एक है कि ये कहा जाता है, लोगों ने आरोप लगाया, आप भी गए हुए थे छपरा तो वहाँ पर लोगों ने आरोप लगाया कि थाने वाले लोग भी जो हैं वो शराब के इनलीगल व्यापार में शामिल हैं, सह देते हैं, पैसे की वसूली करते हैं, और जब ऊपर से कड़ाई होता है तो आप उसको पकड़ने जाते हैं जबकि आप उसका कमीशन भी खाए हुए हैं। तो ऐसे में भाई, आप उसका कमीशन खाए हुए हैं तो आपका उससे डर खत्म हो गया है, उन अपराधी का जो आपसे डर खत्म हो गया है। लेकिन जब आप अपना नौकरी बचाने के लिए, अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उसको पैसा भी लिए, व्यापार भी करने दिया, फिर पकड़ने भी जाते हैं तो वो आपके खिलाफ हो जाते हैं, आप पर हमला कर देते हैं। यही सेम स्थिति जो है वो बालू के साथ भी है। आप अवैध खनन को लेकर आँख मूंदे रहते हैं, हजारों हजार ट्रक ट्रैक्टर पार करते हैं रात में, दिन में, रात में इतना गंगा जी में नाव चल रहा है, आप उन आँख मूंदते हैं, जब ऊपर से कड़ाई होता है आपको मजबूरन जाना पड़ता है। अब आप जब कड़ाई करते हैं तो आप विरोध कर देते हैं आपके, और जो विरोध जो है वो मारपीट तक चला आता है। तो इसका एक ये भी कारण है। और इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जो बिहार पुलिस का जो वर्किंग स्टाइल है, जो काम करने का स्टाइल है, उसमें अभी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। देखा जाए तो अभी एक खास हम फॉर्मेट को ही अपना रहे हैं जिसमें ये पता चला कि हाँ ये अपराधी है, वहाँ पर जाके इसको ये कर लिया गया। साइंटिफिक अप्रोच आप नहीं अपनाते हैं या फिर आप स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए, आपका खुफिया विभाग इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको ये पता हो कि अपराधी जो है वो किस प्रवृत्ति का है, उसके साथ कितने लोग हैं, उसके पास हथियार है या नहीं है। सीधे आपको सूचना मिला, आप सीधे पहुंच जाते हैं। जब आपका संख्या बल कम है तो आपको ये सब चीज़ अपनाना होगा या फिर आपको अपने सुरक्षा से संबंधित जो है वो काम करना पड़ेगा। कितना मामला ये आया है कि पुलिस वाले इसलिए कम संख्या में जाते हैं कि सोचते हैं कि वहाँ जाकर कुछ मैनेज हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा, मामला रफा दफा हो जाएगा।
वो नहीं होता है, दबाव डालते हैं, मामला बिगड़ जाता है, ये भी इसमें मामला होता है। तो कहा जाए ना कि जो आप जो हैं अवैध धंधे को सहयोग करते हैं वही आप पर भारी पड़ता है, ये चीज़ हुआ। फिर से आपको हम बता दें कि पुलिस बिहार में जो है एक ऐसा स्थिति है कि देखिए लोगों का पुलिस से डर क्यों कम हो, डर क्यों खत्म होते जा रहा है, क्योंकि आप अपराधियों को लेकर ऑफेंसिव कड़ाई के साथ नहीं निपटते हैं। बहुत पुलिस जो है पुलिस से डर बहुत कम हो गया है। अब आप देखिए ना, दो तीन रोज पहले का ही बात है, पटना एसएसपी साहब का गाड़ी अपने ऑफिस से निकलता है गांधी मैदान के पास से, और वो कारगिल चौक पे जाता है, वहाँ पर एक हवा हवाई वाला सड़क पर रोक के और लोगों को बैठा उठा रहा था या जो भी कर रहा हो। एसएसपी साहब का गार्ड उतरता है, उसको बोलता है हटाने के लिए, वो लड़ने को तैयार हो जाता है, और एसएसपी साहब को जाकर इंटरफेयर करना पड़ता है, उसको उठा के उसको बुला के डांटना पड़ता है। समझिए कि डर इतना ख़त्म हो गया है कि एसएसपी समझिए, पहले तो दरोगा का गाड़ी देख के दरोगा जी का नाम सुन के लोग का हवा गायब हो जाता था, एसएसपी साहब के गाड़ी के सामने हवा हवाई वाला गाड़ी हटाने को तैयार नहीं है, उनके गार्ड से लड़ाई करने के लिए तैयार है। आज भी आप पटना में देख लीजिए, एसएसपी साहब बोले भी वहां के सेक्टर प्रभारी को कि नहीं लग जाम लगना चाहिए, चलान काटा जा रहा है, बावजूद उसके भीड़ लग रहा है। कारण क्या है, वसूली किया जाता है, सबसे 10-5 रुपया लिया जाता है। आप देख लीजिए ना, गांधी सेतु पर जाम लगा हुआ है, जाम भीड़ लगा हुआ है, लेकिन सब कोई देखता है, मैं देखता हूँ, ट्रक वाले बस वाले वहाँ पर जो होमगार्ड का जवान खड़ा था 10-10 रुपये देते चलता है, 10-10 रुपये 20 रुपये अपने देते चलता है, वहाँ पर 2-4-10 मिनट रुकते चलता है, कुछ नहीं होता है। तो आप जब उनसे पैसा लेके रोकते हैं, आप उनके साथ एक इनलीगल संबंध बनाए हैं और उस पर आप बद में कड़ाई करेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेगा, मन बढ़ा दिए हैं उनका। आप बताइए, एसएसपी का गाड़ी हॉर्न मार रहा है, गार्ड आके बोल रहा है तो गार्ड से मारपीट करने को तैयार हो जा रहा है। समझिए कितना यहाँ पर लोग का डर खत्म हो गया है, तो समझिए दरोगा और बाकी लोग का क्या हाल होगा। एसएसपी अपने ऑफिस के सामने, ये बहुत छोटा मोटा न्यूज नहीं है, ये बहुत बड़ा ये बात है, ये कि लोगों में तो डर होना चाहिए। आज देखिए, सबसे आप कानून तोड़ रहे हैं ना, आप सड़क पे है, गाड़ी ले आके जाति को बैठा रहे हैं, उठा रहे हैं, आप उसके लिए स्टैंड बना हुआ है, लेकिन कहीं भी पटना में स्टैंड नाम का कोई चीज़ है, आप देख लीजिए ना, चले जाइए स्टेशन, किसी भी चौक पर चले जाइए, कहीं भी, ऑटो रिक्शा वालों के लिए कोई नियम ही नहीं है, जहां मन किया वहां वो रोक देंगे, वो आप उससे कुछ नहीं कर सकते। पुलिस भी मान चुका है कि नहीं, इसको हम नहीं सुधार सकते हैं, ये नहीं मानने वाले, तो क्यों आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं मजबूती से कानून का। आप सारे जितने भी जो लोग भी गड़बड़ी करते हैं सारे को उठा के थाना में ले जाइए, हेवी फाइन कीजिए, लाइसेंस को रद्द कीजिए, तब देखिए ना कैसे होगा। लेकिन क्या होता है, मैनेज हो जाता है, थाना में गया, वहाँ फाइन होना चाहिए 5,500 रुपया मैनेज करके बाहर छोड़ दिया जाता रास्ते से, इसलिए डर नहीं है, पता है कि 500 रुपया देंगे छूट जाएंगे हम। तो यही जो है ना, यही आपका ढीला कानून का जो जो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो ढीला है। यूपी में देखिए, आज ही खबर चला है कि एक साल में 10,000 इनकाउंटर हुआ है, बिहार में कितना हुआ है, बिहार में बिहार पुलिस अपराधियों से पिट जाती है लेकिन एक हवाई फायरिंग भी नहीं करती है, क्योंकि पता है कि बाद में हमको इतना परेशान किया जाएगा, मुंह से आवाज निकाल, हाँ उसको भागा वहां से, क्योंकि डिपार्टमेंट भी साथ नहीं देता है ना उनका। अगर वहां पर मानिए हवाई फायरिंग हुई या लाठी चलाए, दो आदमी का माथा फूट गया, उसमें हो जाएगा कि महिला है, दलित है, अल्पसंख्यक है, क्या है, उसके बाद वहां पर लोकल लीडर उसके चले आएंगे, पूरा हो जाएगा कि पुलिस ही बन जाएगा विलेन। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट चलता है, यहां पर कहा जाता है कि थोड़ा आंख दाब लो, कम से कम बाद में टेंशन तो नहीं ना रहेगा, बाद में कुछ लफड़ा तो नहीं ना रहेगा, नौकरी बचाने के, क्योंकि देखिए यहाँ बिहार में ऐसा है ना कि अगर आप कुछ करते हैं अच्छा हुआ तो वह भाई दूसरा कोई ले जाएगा, सीनियर ले जाएगा, और गड़बड़ होगा तो सारा पिटारा आप पर फोल दिया जाएगा, आपको सस्पेंड किया जाएगा, आपको लाइन हाजिर किया जाएगा, आपका वेतन रोका जाएगा, आप क्या क्या नहीं हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना कि नहीं हम आपके साथ हैं, वो चीज़ नहीं है। डिपार्टमेंट, सरकार, सभी लोग यहाँ पर पुलिस को ही दोषी मान लेते हैं। बिहार में पुलिस का नौकरी बड़ा ही चैलेंजिंग, दोधारी तलवार पर चलने वाली स्थिति है कि आपको अच्छा भी करना है और अच्छा करने के लिए अगर आप कुछ कड़ाई करते हैं तो उसका सजा भी भुगतना पड़ेगा आपको। तो ये दोहरा इस पर नहीं चलेगा। यूपी में क्या है, यूपी में छूट दिया गया है,
वहां पर सरकार जो है पीछे खड़े है कि नहीं, अगर आप कानून इम्प्लीमेंटेशन में नियमों का पालन करते हैं, थोड़ा कड़ाई भी करते हैं, तो हम आपके साथ में हैं। देखिए इनलीगल एकदम आप एकदम फर्जी वाला कीजिएगा तो कोई साथ आपका नहीं देगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन इसमें क्या है कि आपको देना पड़ेगा, इसमें कहता कि इसमें आपको साथ रहना पड़ेगा। लेकिन बिहार में क्या है, कोई चीज़ गड़बड़ होता है यहाँ सबसे पहले अफसर को हटाया जाता है, उस पदाधिकारी को दंडित कर दिया, कह दिया था हाँ सब कुछ ठीक हो गया, तो क्या होता, उनका कॉन्फिडेंस जीरो है, गिरा हुआ कॉन्फिडेंस है, एकदम जीरो कॉन्फिडेंस है उनका। फिर से है आपको पिटने का कारण, आपको मैं बता दूं कि यहाँ थाना बिकता है, यहाँ चलता है, यहाँ फैशन बना हुआ है, सारे लोग बोलते हैं, सुनने में आता है, इतना लाख दे के कोई थाना का प्रभारी बनता है, इतना पैसा। मोतिहारी में ही हुआ था ना कि सिपाही के पोस्ट जो पोस्टिंग होता है रोज दिन कहाँ पर उसको लगाना है उसके लिए पैसा लिया जाता था, खुलासा हुआ था 6 महीना पहले, जिसमें है कि वैसे जगह पर जहाँ पर आपको काम नहीं करना पड़े उसके लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, वैसे जगह पर जहाँ पर आप जाते हैं तो ऊपरी कमाई होता है उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब थाना और ये सब चीज़ बिकेगा, मानिए कि बिहार में फैशन एकदम खुलेआम चलता है कि थाना बिकता है, मानिए 5 लाख रुपया दे के आप थाना में जाते हैं तो फिर आप 5 दिए हैं तो 25 वसूलेंगे ना आप, तो उसके लिए कौन आपको पैसा देगा, जो सही काम करता है वो पैसा देगा नहीं आपको, पैसा कौन देगा, जो गलत काम करने वाला है, शराब का धंधा करता है, इलीगल कारोबार दूसरा कोई करता है, वो आपको पैसा देगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप उसको उसको आपको छूट देना पड़ेगा, आँख मुंदना पड़ेगा, डील देना पड़ेगा। अब इसके चलते क्या होता है, गोरख धंधा होता है, और जब ऊपर से जब कांड हो जाता है, जब उसके बाद ऊपर से कड़ाई होता है, छापामारी करने जाना होता है, तो वहीं आप पर भारी पड़ जाते हैं उस समय, क्योंकि आप उनका एक बहुत बड़ा नेक्सस बना दिए हैं। तो इसके लिए देखिए टॉप लेवल से इसमें ख़त्म करना पड़ेगा, एकदम ऊपरी स्तर से लेकर जिलों में जितने SP हैं, सारा कोई है, उन सब को लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन, कार्य प्रणाली को देखना पड़ेगा, उनके हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा, और संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर बिहार पुलिस में जितना ये सेंसिटिव स्टेट है, हर एक थाने में कम से कम 50 स्टाफ होने चाहिए आपको, कि एक थाना अपने यहाँ का प्रॉब्लम अपने से सॉल्व कर ले। यहाँ तो कुछ भी होता है तो 5 थाने को पुलिस को बुलाया जाता है, तब मामला वो सॉल्व होता है, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया जाता है। आपके पास जो है हर एक जिला में आपने BSAP बनाया है, कितने जवान होते हैं, कोई वहाँ पर बिहार के पास, जैसे UP में PSC है ना, उसका हमेशा बटालियन सब है जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल हैं, यहाँ पर हैं ही नहीं वो। यहाँ पर एक जिले में वही 250-300 पुलिसकर्मी हैं, और बवाल होता है दूसरे जिला से मंगाना पड़ता है, या फिर पैरामिलिट्री का सहारा लेना पड़ता है केंद्र सरकार के, तो वो चीज़ नहीं है। तो मानव संख्या तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और कहीं भी जाएं आप पूरे तैयारी के साथ जाएं। दूसरा चीज़ है कि आप अपना साइंटिफिक अप्रोच बढ़ाएं, आप ये पता करें अपने IB के टीम को, खुफिया टीम को मजबूत करें, जो कि आपको एकदम सटीक जानकारी दे कि वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या होगा क्या नहीं। तो बहुत बड़ा परिवर्तन करने का ज़रूरत है, कार्य प्रणाली सुधारने की ज़रूरत है, पूरा सब कुछ जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक जो है, और पुलिस पर सबसे बड़ा बात, पुलिस के साथ पीछे खड़ा होना होगा, विश्वास उन्हें देना होगा कि अगर आप कानून इम्प्लीमेंटेशन नियमों के तहत करते हैं और इसको लेकर आपको कुछ नहीं होगा, कोई आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं, ये एक कॉन्फिडेंस उनको, एक कमिटमेंट उनको चाहिए। उसके बाद देखिए ना बिहार पुलिस क्या करता है, यही बिहार पुलिस है जो 2005 में नीतीश कुमार आए, उसके बाद ऐसा स्थिति लाया गया कि जो जगह पर लोग शाम को नहीं जाते थे उस जगह पर लोग रात को 12 बजे भी पैसा लेकर आराम से टहलते हुए जाते थे, कोई छूने वाला नहीं आता था। तो ये साबित भी यार किया है, लेकिन फिर इसमें कुछ घुन आ गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इस तरह से सब कुछ चौपट हो गया है। एक सवाल मेरे मन में ये है कि आखिरकार जो इतना सारा कुछ बात हुआ, इम्प्लीमेंटेशन का बात हुआ, नहीं चल पाया, तो क्या ट्रेनिंग में भी कमी है, क्या जो लोग भी दरोगा ये IAS IPS की पढ़ाई करके जो लोग जाते हैं, वरीय अधिकारी बनते हैं, क्या वो पढ़ाई तो इतनी मेहनत से करते हैं, क्या उनका ट्रेनिंग कमज़ोर पड़ जाता है, या फिर यहाँ पे आने के बाद से तमाम जो नियम कानून है उसके अंदर उनको दबे रहना पड़ता है? देखिए ट्रेनिंग तो अब तो अच्छा हो रहा है, बिहार पुलिस एकेडमी को अभी तो बेस्ट दरोगा के ट्रेनिंग के लिए पूरे ऑल इंडिया में 2021 में पुरस्कार मिला, DSP को भी ईस्टर्न जोन के लिए मिला है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अभी पुराने लोग हैं जो कि सिपाही जो ट्रेनिंग सेंटर नाथनगर जो है भागलपुर में वहाँ पर DSP का ट्रेनिंग करके आए हैं,
बहुत जगह लोग है जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, वहाँ पर विभिन्न जिलों में दरोगा की ट्रेनिंग कराई गई, तो ट्रेनिंग तो खैर ढीला था। जो अभी बहुत बड़ा संख्या में जो लोग अभी वर्क कर रहे हैं उनका ट्रेनिंग गड़बड़ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आईपीएस का ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा होता है। देखिए होता क्या है, आप जब आप फील्ड पोस्टिंग में आते हैं ना, उसके बाद व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो व्यवस्था जो है ना, वो व्यवस्था सरकार के द्वारा, आपके सीनियर अफसर के द्वारा, एक ब्यूरोक्रेसी के द्वारा बनाया गया है, उसको उसके उसमें ये चेंज नहीं कर पाते हैं। कहना चेंज करने की कोशिश करने के चक्कर में खुद ही वैसा बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, उस ब्यूरोक्रेसी में बहुत आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। जो एक चल रहा है पैटर्न, उस पैटर्न को पूरा बदलना पड़ेगा, वर्किंग स्टाइल को फास्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप जो हैं इम्प्लीमेंट करें कानून, कितना भी बड़ा से बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, आपका वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे काम के दम पर हमको पोस्टिंग मिलेगा, न कि पैसा के दम पर। आपके काम के दम पर आपको मेन मिशन पर लगाया जाएगा, जो अहम SIT ये सब बनता है उसमें, न कि आपके चाटुकारिता के चलते और आपके बिकने के जो क्वालिटी कहा जाता है ना, उसके चलते लगाया जाएगा। ये सारा कुछ बदलना पड़ेगा, और ये नीचे के बदलने से नहीं होगा, ये ऊपर का बदलना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले राजनीतिक सोच इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। फिर से है कि ब्यूरोक्रेसी में जो चल रहा है टॉप लेवल में, उसके माइंडसेट को और वर्किंग स्टाइल को बदलना पड़ेगा, तब ये नीचे तक आएगा। नीचे से आप बदलने की कोशिश कीजिए या कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो फिर पता चलेगा कि आप एक को बदलेंगे, दूसरे को लाएंगे, दूसरे को भी मजबूरन वही काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बदलने का ज़रूरत है इसमें। जब तक ये नहीं होगा, तब तक आप कितना भी अच्छा ट्रेनिंग कर लें, कितना भी अच्छा कुछ भी कर लें, बाद में स्थिति वही का वही हो जाता है। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो निकल के सामने आई, बातें जो बिहार पुलिस में चीज़ें हैं उसको हमारे सहयोगी आदेश पुरी जी ने रखा, और वाकई में ये सच्चाई है कि अगर चीज़ों को नहीं बदला जाएगा, सही चीज़ों को नहीं लगाया जाएगा, तब कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता है। तो ज़रूरत है बिहार पुलिस को मजबूत होने की, क्योंकि एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि इसके लिए न्यायिक व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा। देखिए मैं बता दूं आपको कि न्यायिक व्यवस्था में देरी, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के कारण भी पुलिस में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, कई पुलिसकर्मी मुझे बताते हैं कि वहीं पर गड़बड़ी, जैसे अब मान लीजिए इनका कहना है कि हम लोग कितना अपराधी को पकड़ के लाते हैं, अपने रिस्क पर लाते हैं, पकड़ के लाएं लेकिन वो पहुंच पैसे के बदौलत बिल ले लेते हैं, जल्दी उनको क्या कहा जाए कि उनको सजा नहीं हो पाता है, लेट लतीफी होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनका मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाता है। उनको लगता है कि पुलिस क्या है, पैसा से सब कुछ हो सकता है, पहुँच से सब कुछ हो सकता है, और ये जो है ना पुलिस के मनोबल को बहुत ज़्यादा डाउन करता है। देखते हैं कि दुश्मन भी हो गया, बाहर भी निकल गया, और हम जो है इसे दुश्मनी ले लिया, तो बाद में वो लोग भी कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले सोचते हैं कि मानिए इसको पकड़ के ले जाते हैं, ये तो छूट ही जाएगा, ये तो फलनवा नेता के साथ इसका अच्छा संबंध है, इस MP के साथ अच्छा संबंध है, इनका आदमी है, उनका आदमी है, तो क्यों हम रिस्क लें, क्यों अपना ये करें। और उनमें इतना प्रभाव भी होता है कि निकलने के बाद या तो इनको विजिलेंस में फंसा देते हैं, या तो लाइन हाजिर करवा देते हैं, या फिर नौकरी करने में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बाद में क्या होता है कि बाद में ये आंख मूंदना सीख जाते हैं कि छोड़ो ना, हटाओ, होने दो होने दो, उससे अच्छा है कि जो जाके ऊपर पैसा देगा खुद ही पैसा लेके मैनेज कर दो, यहीं पर संबंध भी अच्छा बना रहेगा, पैसा भी आ गया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो न्यायिक व्यवस्था जो है उसमें भी बहुत बड़ा सुधार की ज़रूरत है, तभी पुलिस सेफ रह पाएगा। और जब तक पुलिस सेफ नहीं रहेगा, हम लोग भी सेफ नहीं रह सकते हैं। हम लोग के आम जनता के सेफ रहने के लिए पुलिस का आत्मविश्वास, पुलिस की कार्यप्रणाली और पुलिस को सुरक्षित रहना काफ़ी ज़रूरी है। और जब तक वो नहीं रहेंगे, कोई बिहारी सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो हम सबका दायित्व है कि हम अपने पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बातें जरूर करें, और उनके फेवर में, उनके सम्मान में काम जरूर करें, क्योंकि वो अपना दिनों रात हमारी ही सेवा में बिताते हैं, प्राण जान प्राण
नौकरी सबको दाव पर लगाकर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, जो बहुत अच्छी ट्रेनिंग और बहुत अच्छी पढ़ाई करके लाते हैं आते हैं और वो काम भी करना चाहते हैं, लेकिन कई तरह की व्यवस्थाएं जो होती हैं उनके चलते वो काम नहीं कर पाते हैं, मानसिक रूप से परेशान भी हो जाते हैं और जो चीज़ें हैं वो व्यवस्था वो लागू नहीं कर पाते, जिस वजह से गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। आपको क्या लगता है क्यों बिहार पुलिस इन तमाम बातों से हट के रहती है, क्यों बिहार पुलिस को अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इस चर्चा में इतना ही, जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।